सृष्टि होना पारमार्थिक संभव नहीं है, इसको पहले अपने प्रतिज्ञा की तो हेतु दिखाया कि जिन जिन वादियों ने सृष्टि को माना उन वादियों की आपस की विवाद से ये निश्चय होता है कि यदि सृष्टि सही हुई होती तो इतना विवाद नहीं होता, अलग अलग करके नहीं होता। एक ही इस प्रकार कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ कहाँ से हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण से देख होता तो सभी तक एक ही मान लेंगे, परंतु ऐसा नहीं है, सब वादी का अलग अलग मतवाद है, इसलिए सृष्टि होना पारमार्थिक संभव नहीं। आप लोगों के विवाद को हम अनुमोदन करते हैं, सही बोल रहे हैं, अविवाद हम नहीं बोलते, हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं, चाहे बौद्ध दर्शन हो चाहे शंख योग दर्शन हो न्याय वैशेषिक हो, सभी का मत का खंडन हो जाने के बाद तो आपने हेतु क्या दिया, क्योंकि यहाँ पे जगत जगत के जो अधिष्ठान के रूप में जिसको माना गया है अथवा जगत के अभिन्न निमित्त उपादान रूप में जिसको माना गया है उसके अंदर परिणाम होना संभव नहीं, तो जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो विवर्त ही मात्र है। विवर्त मतलब औतात्विक अन्यथा भाव, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हुए अपने को अन्य रूप में दिखा देना, इसको बोलते हैं विवर्त। तो इस प्रकार जागतिक वस्तु ही स्वप्न के समान मिथ्या है, तो स्वप्न में जिस जिस कारण से मिथ्या निश्चय करते हैं उन सारा कारणों को जागृत में एक एक करके दिखाया, यद्यपि सारा श्लोक वैदत्त प्रकरण में आया हुआ था स्वाप्निक मिथ्यात्व को समझाने के लिए। अब जो है जागृत मिथ्यात्व को समझाने के मतलब जीवन मुक्त अवस्था में जाने के लिए हमें किस प्रकार से विचारधारा को लगाना है उसको दिखाने के लिए एक एक करके दिखाते हैं। कल जो हम इसको पढ़ लिए थे, स्वप्ने च अवस्तु कह काय इतर अन्न दर्शना यथा कायस तथा सर्वभूचित दृश्य अवस्तु। स्वप्न में जो भी हमें दिखाई पड़ते हैं, एक व्यक्ति अपने शरीर को कल्पना करके अपने मन मर्जी स्थान में अपनी वासनाओं स्थान में घूमते रहता है, दूसरा शरीर उसका वस्त्र पर पड़ा रहता है, इससे हम निश्चय करते हैं जिस शरीर से हम स्वप्न देख रहे थे वो भी पारमार्थिक वस्तु नहीं। ठीक इसी प्रकार जब हम माया नेत्र से जल जाएंगे, जब हम माया नेत्र से जल जाएंगे तब हम क्या सोचेंगे, जिस शरीर से हम माया नेत्र में शो करके व्यवहार कर रहे थे वो भी पारमार्थिक शरीर नहीं, वो तो केवल एक प्रातिभाषिक शरीर को लेकर और उस शरीर को लेकर किसी से मिला किसी से कुछ मिला
है ना, किसी से मिला और किसी से कुछ मिला, चाहे गाली मिला चाहे माना कुछ भी हो, ये सभी जब वो माई की है तो उसकी पारमार्थिकता नहीं है, ऐसे निश्चय करते हुए। तो अगर हम स्वप्न क्यों देखते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से जागृत काल में जो हम इंद्रियों के माध्यम से स्थूल वस्तु के ग्रहण करते हैं उसमें जो है सभी व्यक्ति का जहाँ जहाँ आकर्षण होता है, मन जहाँ पे मेरा ठप्पा लगा लेता है उसी को लेकर के स्वप्न देखना शुरू होता है। अब कई बार हमारे मन में भी ये प्रश्न होता है, हम जो स्वप्न में देखा हुआ वस्तु मेरे को दोबारा दिखाई नहीं देता, अगर कभी दिखाई देता भी होगा परंतु उस रूप में नहीं दिखाई देता, परंतु जागृत का वस्तु तो मेरे को रोज दिखाई देते हैं, तो ये मिथ्या कैसे हो सकता, ये मिथ्या कैसे हो सकता। तो शास्त्रों उत्तर ये देते हैं, जो जागृत वस्तु आपको दिखाई दे रहा है आपको लग रहा है जैसे आपने काल देख रहे थे आज भी उसे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, उसे कई परिवर्तन होता है और उस सूक्ष्म वस्तु देखने के दिशा आपके सामर्थ्य नहीं। तो अरे हमको नहीं तो सबको नहीं नहीं, सभी व्यक्ति को एक वस्तु दिखाई देने पर भी सपने में भी तो कभी ऐसा होता है ना, हम कई मिल करके एक जगह में घूमने गए और एक जगह घूमने जाकर के हम लोग को जहाँ भी गए तक संबंध जो वस्तु को हमने देखा तो एक ही वस्तु को सभी व्यक्ति ने मिल करके देखा जितना हमारे साथ घूमने गए थे, पर उठ करके क्या बोलेंगे, सभी तो हमने उसी को देखा, पहले तो जो हमारे साथ गए हुए तो वो लोग पहले नाराज हो जाए, मैं तो सब गए नहीं, तो क्योंकि हमको साक्षी लगाना चाहते हैं एक। अब ऐसा ही जगत में किसी वस्तु को देख करके हमारी जो मनोवृत्ति हुई ये बहुत अच्छा है, अरे उसमें क्या अच्छा है, दूसरा बोलेगा तुरंत बोलेगा कि नहीं बोलेगा, यानी कि जैसा हमने देखा ऐसा दूसरा नहीं देखा, सभी का मनोवृत्ति भिन्न भिन्न नहीं होता, इसीलिए जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें तो वही वस्तु दिखाई दे रहा है वो भी नहीं है, और उसमें भी कई परिवर्तन हो जाते हैं, हमारी मनोवृत्ति आज जिस वस्तु को जिस रूप में ग्रहण करता है कल उठ करके अथवा दो दिन बाद उसको उस रूप में ग्रहण नहीं करता, घर में नौकर रखा पहले जो आया दो दिन के नौकर भी अपना काम करने के लिए ईमानदारी के साथ दो दिन काम करेगा, जब देखा गया कि मालिक तो पूरा छोड़ दिया तब अपना मन मर्जी ये काम कर काम का नहीं है अपना मन मर्जी करते भाव, यही तो होता है, यानी कि जागतिक वस्तु में जो सत्य तो तुम समझते हो वो भी कोई पारमार्थिक नहीं है, उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होता है। कल जो है हम लोग आज 37 से शुरू करेंगे, कल इसको पढ़ लिए थे एक बार इसको दोबारा पढ़ेंगे 37। ग्रहणात् जागरितवत् तद्धेतु स्वप्नेश्वरे तद्धेतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितमिष्यते। जागरितवत् ग्रहणात् जागृत के समान ही ग्रहण होने के कारण तद हेतु स्वप्न का हेतु स्वप्न का विषय है, मतलब जागृत हेतु है स्वप्न का स्वप्न, वो स्वप्न ऐसा है ऐसा इष्ट अभिष्ट है हमारा ऐसा अभिष्ट है। जागृतवत ग्रहणा तद हेतु स्वप्न ईश्वर, जागृत के समान ग्रहण होने के कारण व्यवहार होने के कारण स्वप्न ही जागृत ही हेतु वाला जागृत हेतु वाला है स्वप्न, तद हेतु स्वप्न ईश्वर ये हमारा अभिष्ट है। परंतु तद हेतु तत्व वो जागृत उसका हेतु होने के कारण यदि जागृत सभी के लिए एक ही प्रकार दिखाई देता तो सभी व्यक्ति एक ही प्रकार स्वप्न देखते, परंतु सबका सपना अलग अलग होता है, देखा एक ही वस्तु परंतु मनोवृत्ति में भिन्नता होने के कारण वस्तु संबंधित भावना भिन्नता होने के कारण सब अलग अलग स्वप्न देखते हैं। यानी कि जो हम सच सोचते हैं जागृत हमें रोज एक ही दिखाई पड़ता है परंतु एक नहीं है, सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग है, इसलिए बोलते हैं तद हेतु हाँ उसके लिए वो सत्य होगा, प्रतीति होती है वो सत्य होगा, वो भी यदि अपने आप चुप्त गहराई से विचार करेगा तो उनको भी निश्चय हो जाएगा, अरे नहीं ये काल जैसा नहीं है, हमारा ही बच्चा जिसको हमने प्यार से पाला पढ़ाया लिखा सिखाया वही बच्चा बूढ़ा के नहीं नहीं घर में नहीं रहने लगा घर बाहर कर, ये तो आजकल कैसे होता है कितना परिवर्तन होता है, एक नहीं मतलब जमीन आसमान के अंतर पड़ता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर सत्यत्व बुद्धि करना ही यहाँ पर सत्यत्व बुद्धि करना ही अपने के लिए दुखदायी होता है, ये सत्यत्व इसको यहाँ पे बोलते हैं। देखिए तथेतु तस्व उसके लिए मतलब जो स्वप्न दृष्टता सत जागृत मिश्रत जागृत सब जैसा दिखते हैं प्रतीति होती है परंतु पारमार्थिक नहीं। इसके ऊपर चार टिप्पणियाँ हैं, एक नंबर ग्रहणात् ठीक है ना, मेरा टिप्पणी देवदत्त जागरितम मिथ्या देवदत्त दृष्टिकत्वात् देवदत्त स्वप्नवत् इति अनुमानम यह सूचितम ठीक है। देवदत्त का जो जागरण है, देवदत्त नामक व्यक्ति का
जो जागृत अवस्था है, तो जागृत अवस्था में जो ये वस्तु दिखाई पड़ता है जागृत में, वो सारा मिथ्या ही है। ये देवदत्त जागृतम ये पक्ष है, मिथ्या शाद्ध है। और देवदत्त दृष्टिकत्व, क्योंकि वो देवदत्त है उसका देखने वाला होने के कारण, और क्योंकि हम बोलते हैं जगत विमतम मिथ्या दृश्यत्वात्, तो देवदत्त के द्वारा ही देखा जाता है। जो देवदत्त स्वप्न देख रहा था वही देवदत्त जागृत को देखता है, जैसे स्वप्नों में दृश्यत्व के कारण मित्र जागृत में दृश्यत्व के कारण मित्र होते हैं, कि देवदत्त दृष्टिकत्व एक देवदत्त ही देखने वाला होने के कारण, देवदत्त स्वप्नवत देवदत्त के स्वप्न के समान, ये हो गया आपका दृष्टांत। ठीक है, इस अनुमान में ध्यान रखें कि आप एक उपाधि दोष लगाने के लिए कोशिश करेंगे तो उसके देवदत्त जागृतम मिथ्या देवदत्त दृष्टिकत्व, देवदत्त जागृत में हो गया पक्ष, मिथ्या हो गया शब्द, देवदत्त दृष्टिकत्व देवदत्त देखने वाला होने के कारण और देवदत्त के द्वारा दिखाई गया स्वप्नों के समान देवदत्त स्वप्नवत इति अनुमानम यहाँ सूचित। ठीक है, यहाँ पे हम जो व्यक्ति देख स्वप्न देख रहा है वही व्यक्ति जागृत में उठ करके स्वाप्निक वस्तु को मिथ्या बोलते हैं, क्यों उसका काम नहीं आता। इसी प्रकार जागृत की वस्तु ही स्वप्न में तो काम नहीं आता। स्वप्न में आपको कोई शेर भगा रहे हैं, आपको लट्ठी चाहिए, तो आप जागृत की लट्ठी व्यवहार करेंगे कि स्वप्न की लट्ठी व्यवहार करेंगे? स्वप्न के अगर जागृत के लोग ना सुबह उठ के पैर में दर्द पता लगेगा कि पैर में दर्द हो रहा है, कुछ तो हुआ नहीं, क्या हुआ, अपने आप लट्ठी पीट दिया था पैर में। तो इसलिए यहाँ पे जो है देवदत्त को देवदत्त जागृत में एक पक्ष हो गया, देवदत्त का जो जागरण है जागृत देखता है वो मिथ्या है, क्यों देवदत्त दृष्टिकत्व देवदत्त के द्वारा ही वो देख वो देवदत्त ही स्वयं देखने वाला होने के कारण देवदत्त के स्वप्न के समान है, ये देवदत्त नाम है। अनुमानम यह सूचित, अब यहाँ पे कोई एक उपाधि दोष लगाने के लिए, उपाधि अनुमान में उपाधि एक मतलब पंच हेतु आभास है, व्यापत्व असिद्ध को बोलते हैं, व्याप्ति ठीक नहीं है, तो यहाँ पे बोलते हैं देखो न च तद इतर अदृश्यत्वम उपाधि जागृत अपि तद इतर दृश्यत्व अनिश्चयेन साधन व्यापकत्व। उपाधि की परिभाषा है साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्व, साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्व। एक सामान्य हम समझाते हैं इसको समझने के लिए, ये हमारा पूर्व मीमांसा दर्शन के साथ बौद्धवादी वेद को नहीं मानते हैं और पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को मानते हैं, तो बौद्ध पूर्व मीमांसा के विरुद्ध में अनुमान करते हैं। क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वा क्रतुर वही हिंसावत, क्या बोला, जाग के अंदर किया गया पशु बलि आदि क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा अधर्मजनिका, वो अधर्म उत्पन्न करेगा, क्यों हिंसा होने के कारण हिंसात्वा है क्रतुर वही हिंसावत। यज्ञ के बाहर जहाँ पे आप पशु को मारते हो आप एक से उसको आप बोलते हो पाप लगता है, यदि यज्ञ के बाहर पशु को मारने के लिए आपको किसी को मारने के लिए पाप लगता है तो वही तो काम यहाँ भी करो तो यहाँ भी आपको पाप लगेगा। ये बौद्ध दर्शन पूर्व मीमांसा दर्शन के लिए बोलते हैं। अनुमान क्या किया, क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुर वही हिंसावत्, आया समझ में। अब इसमें पूर्व मीमांसा दर्शन बोलते तुम्हारे अनुमान में एक उपाधि दोष है, व्याप्ति सही नहीं है। यहाँ पे व्याप्ति क्या है, क्रतुअंतर्वर्ती हिंसा अधर्मजनिका हिंसत्व, मतलब जत्र जत्र हिंसा तत्र तत्र अधर्मजनिका, ये तो जब तो हिंसत्व तत्र ये व्याप्ति है। बोलते नहीं नहीं ये व्याप्ति तुम्हारा सही नहीं है। क्या सही नहीं है, वो उसके ऊपर अधर्म नहीं होता, जहाँ पे निषिद्धत्व है निषिद्ध काम करोगे तो वो अधर्म होगा, तो तुम्हारे इस अनुमान में निषिद्धत्व उपाधि, मतलब जहाँ निषिद्धत्व होगा जहाँ अहिंसा होगा और यदि निषिद्ध होगा वो अहिंसा वाला मतलब अधर्मजनक हो जाएगा, यत्र यत्र अनिषिद्धत्व तत्र तत्र अधर्मजनकत्व ही हो जाएगा। और शब्द व्यापकत्व साधन अव्यापकत्व, परंतु क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा क्रतु अंतर वो निषिद्ध नहीं है इसलिए वो अधर्मजनक नहीं होगा। ये उपाधि घटती कि नहीं घटती लगा कि नहीं लगा उसको देखने के लिए उसको पक्ष में नहीं बैठना चाहिए, दृष्टांत में बैठना चाहिए। दृष्टांत में हेतु और शब्द दोनों बैठा हुआ है और पक्ष में केवल आपका हेतु है, शब्द अभी तक सिद्ध नहीं हुआ,
तो इस दृष्टांत यदि उपाधि घट रहे कि नहीं घट रहे, साध्य व्यापकत्व साधन अव्यापकत्व यदि इसको पूरा नहीं कर पाते हो, इतना देख लो कि जो उपाधि जो है वो दृष्टांत में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। दृष्टांत में बैठ जाएगा और पक्ष में नहीं बैठेगा, दृष्टांत में बैठेगा। आप देखो पहला अनुमान में हमने उपाधि किया था निषिद्ध से, तो हमारे वहाँ पे दृष्टांत क्या था, क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा अधर्म जनिका हिंसत्व क्रतुर्वयी हिंसावत। क्रतुर्वयी हिंसा में निषिद्धत्व तो बैठता है कि नहीं बैठता, यज्ञ के बाहर हिंसा में निषिद्धत्व तो बैठता है, यानी कि दृष्टांत में आपको उपाधि बैठ गया। और पक्ष क्या है, क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा, क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा में निषिद्धत्व है कि नहीं है, तो वहाँ पर नहीं बैठा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उपाधि, उपाधि का अभिप्राय क्या है कि आप जो है साध्य अभाव को सिद्ध कर दोगे, मतलब आप जब निषिद्धत्व नहीं है, यानी कि क्रतु अंतर्वर्ती अधर्मजनी का नहीं है, क्रतु अंतर्वर्ती का धर्मजनी का, क्यों निषिद्ध नहीं होने के कारण विहित इसे तो जगह नहीं साध्य, उल्टा साध्य सिद्ध होगा। ये हमारे सामान्य इस अनुमान को मन में रखने से उपाधि को कैसे घटाया जाता है ये आप समझ। आप यहाँ पे देखिए इस अनुमान में देवदत्त जागरितम मिथ्या, देवदत्त की जागृत ये हो गया आपका पक्ष, ठीक है, और वो मिथ्या ये हो गया साध्य, देवदत्त दृष्टिकर्तिकत्व आप ये हो गया हेतु, और देवदत्त स्वप्नवत, देवदत्त के स्वप्न ये हो गया दृष्टांत। अब देखो दृष्टांत में आपका हेतु और साध्य दोनों बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, दृष्टांत में देवदत्त दृष्टिकत्व देवदत्त के स्वप्न को देखने वाला कौन है, देवदत्त है, ठीक है ना, तो आपका हेतु बैठ गया, और वो मिथ्या जो साध्य वो भी बैठ गया, तो आपका दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों बैठ गया। और पक्ष है देवदत्त जागृतम, देवदत्त का जागृत, तो देवदत्त दृष्टिकत्व देवदत्त देखने वाला होता है अपना जागृत को भी, देखने वाला कौन होता है, देवदत्त होता है, इसलिए वो भी मिथ्या होना चाहिए, ये सिद्धांत अनुमान है, ये सिद्धांत अनुमान है। सिद्धांत बोलते हैं क्योंकि विमतम मिथ्या दृश्यत्व, जो आपको इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होगा वो मिथ्या ही होगा, वो पारमार्थिक बोलते व्यवहारिक सत्य होगा परंतु पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता। आप यहाँ पे आप बाकी आपके पुस्तक में है ये चीज टिप्पणी में आगे और कुछ है जी ना चलता है ना, ना जी अच्छा सभी के पुस्तक में है ठीक है, हमारे पुराने पुस्तक में नहीं था वो दूसरे, ठीक है। न च तद इतर अदृश्यत्म उपाधि, उपाधि क्या हो गया कि जो इतर अदृश्यत्व, ठीक है ना, इतर अदृश्यत्व उपाधि या उपाधि नहीं बोल सकते इसको, ये इस अनुमान में एक इस अनुमान में जो जगत को सत्य मानने वाले हैं वो लोग कहते हैं आप इस अनुमान में सिद्धांत के इस अनुमान में व्याप्ति सही नहीं है, व्याप्ति सही नहीं है। देवदत्त के स्वप्न तो केवल देवदत्त ही देखता है परंतु तो देवदत्त के जागृत को दूसरा व्यक्ति भी देखता है, इसीलिए आपका अनुमान में व्याप्ति सही नहीं, ये वो कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते न चाहिए न चाह अलग कर देना। तद इतर अदृश्यतम, वो वहाँ पे स्वप्न क्या होता है इतर का देवता, इतर मतलब देवदत्त से भिन्न व्यक्ति उसको नहीं देख, ठीक है ना। आप देखो ये उपाधि लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये यदि उपाधि होगा, यदि ये सही उपाधि होगा तब क्या होगा, उपाधि दृष्टांत में बैठेगा और पक्ष में नहीं बैठेगा, दृष्टांत में बैठेगा, दृष्टांत में बैठना मतलब साध्य व्यापकत्व से, और पक्ष में नहीं मतलब साधन अव्यापकत्व, ठीक है ना। पक्ष में तो साधन है, दृष्टांत में साध्य है और साधन दोनों है, परंतु और साध पक्ष में केवल मात्र साधन है, तो आप बोलेंगे साधन के साथ व्याप्त होगा वहाँ पे दृष्टांत में, बोलते नहीं नहीं केवल पक्ष में देखा साथ वहाँ पे बैठता कि नहीं बैठता देख लो। अब जाइए देखिए तद इतर अदृश्यतम उपाधि, तद इतर अदृश्यतम ही हो गया, इतना हिस्सा हो गया आपका उपाधि। अब देखो देवदत्त स्वप्नवत, तो देवदत्त स्वप्न में देवदत्त इतर इतर अदृश्यतम बैठेगा कि नहीं बैठेगा, देवदत्त स्वप्नवत ये दृष्टांत है, दृष्टांतों में ये उपाधि बैठना चाहिए, ठीक है ना, दृष्टांत बैठना चाहिए। तो देवदत्त इतर अदृश्यतम उपाधि मतलब देवदत्त से भिन्न व्यक्ति ये नहीं देखता स्वप्न का, ये बैठेगा तो दृष्टांत में बैठ जाएगा क्योंकि देवदत्त के स्वप्न देवदत्त से भिन्न व्यक्ति नहीं देखता, ठीक है अच्छा ठीक। और क्या होगा देवदत्त जागृत में, पूर्वादि क्या बोलते हैं देवदत्त जागृत में क्या हो जाएगा, देवदत्त से भिन्न व्यक्ति भी देखता है, ठीक है ना, देवदत्त जागृतम तद इतर अदृश्यतम, ठीक है ना, तद इतर अदृश्यतम नहीं है वहाँ, तद इतर दृश्यतम है, अतः अभी नहीं बैठ रहा है, समझ में आया। उपाधि इसमें दृष्टांत में बैठ रहे और पक्ष में नहीं बैठ रहे, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा उनकी मतलब जो विरोध करने वाले हैं उनके सिद्धांत के अनुसार आपका अनुमान गलत है,
इसलिए तथा इतर अदृश्यत्व मतलब देवदत्त से भिन्न व्यक्ति की तरह नहीं दिखाई देता। क्या देवदत्त के स्वप्न और देवदत्त के जागृत देवदत्त से भिन्न व्यक्ति की तरह भी दिखाई देता है, यानी कि दृष्टांत में बैठ गया साध्य में नहीं बैठ। वो इसलिए हमारे अनुमान में आपका अनुमान में सही है, मतलब उपाधि लग गई आपका अनुमान में व्यक्ति मसीद ऐसा करके जब नौ चक्र अलग रखेंगे तब इतर अदृश्यत्म उपाधि ये आप नहीं बोल सकते। जागृत अभी तद इतर दृश्यत्व अनिश्चय न ये जागृत भी आपका जागृत आप ही देखते हो। किसी व्यक्ति की पत्नी को आपके जैसा दृष्टि हो, कोई व्यक्ति आके कहेगा ये मेरी पत्नी है आप मानोगे? नक्की बात नहीं हो जाएगा। तो देवदत्त की जागृत की देवदत्त का ही है और दूसरे का जागृत दूसरे का ही है, इसलिए आप बोलते हैं ये न तद इतर अदृश्यत्म उपाधि ये उपाधि आप नहीं बोल सकते। क्यों? कि जागृत अभी जागृत में भी देवदत्त का जागरण देवदत्त का ही है और जगदत्त का जागरण जगदत्त के है, जैसा देवदत्त का स्वप्न देवदत्त का ही है, जगदत्त का स्वप्न जगदत्त का है, ठीक उसी प्रकार उसका जागरण भी उसका अपना फील अपना है। देख तो एक ही वस्तु रहा है परंतु मनोवृत्ति सबका अलग अलग है और वही जो है फल के लिए अथवा भोग के लिए हेतु बनते हैं, इसलिए बोलते बंधन के लिए हेतु बनते हैं। इसलिए बोलते हैं तद इतर अदृश्यत्म उपाधि ये आप नहीं कह सकते। क्यों? जागृत अपि जागृत में भी तद इतर दृश्य ये जब बोल रहे दुष्ट व्यक्ति उसको देखते हैं अनिश्चय इसका तो निश्चय नहीं हुआ, उसी को लेकर तो विवाद हो रहा है, उसी को लेकर के विचार चल रहा है कि जो चीज मैं देख रहा हूँ वो भी आप देख रहे हो, दोनों की एक ही वस्तु देख रहे हैं। बोलते केवल दृश्य मात्र तो नहीं है, दोनों की मनोवृत्ति की भिन्नता वही हमारी बंधन, जो बंधन का हेतु वो है वो एक अभी तक निश्चय नहीं हुआ, उसी को लेकर के विचार चल रहा है। इसलिए होता है कि तद इतर दृश्यत्व अनिश्चय न साध्य व्यापकत्व छोटा शब्द तो लिख देते हैं परंतु इसका अभिप्राय क्या साध्य व्यापकत्व से भी साधन अव्यापक होना चाहिए था, परंतु अब क्या हो जाएगा साधन का व्यापक हो जाएगा। मतलब देवदत्त का स्वप्न देवदत्त भी देखता है और देवदत्त का जागृत भी देवदत्त ही देखता है, उसी तरह नहीं देखता। समझ में आ रहा है ना? ये जो शब्द तो न्याय की भाषा इसलिए कठिन, मतलब आप यदि विचार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहना क्या चाहते हैं कि देवदत्त का स्वप्न मिथ्या है क्योंकि केवल देवदत्त ही देखता है और उसी प्रकार देवदत्त का जागृत भी केवल देवदत्त ही देखता है इसीलिए वही भी मिथ्या है। तो बोलते नहीं नहीं देवदत्त का जागृत तो दुष्ट भी देखता है। बोलते ये जो तुम सोच रहे हो ये निश्चय नहीं हो पाया, अभी केवल देखना मात्र से हमारा अभिप्राय नहीं है, तुम्हारा बंधन का हेतु क्या है वो सोचो, वो सबका अलग अलग है। किसके अंदर अज्ञान की मात्रा कितना अधिक है गहराई है ये सबका अलग अलग है, इसलिए किसी को थोड़ा सुनने से ही उत्सव आ जाता है, किसी को कई बार सुनने पर कुछ समझ में नहीं आता। मतलब क्या है अंधेरे की मात्रा अज्ञान की मात्रा मतलब जागृत के प्रति अथवा जगत की वस्तु के प्रति सत्यत्व बुद्धि इतना दृढ़ है वेदांत तो सुनने पर भी निश्चय होना मुश्किल है। ये अलग अलग है, सभी व्यक्ति का अलग अलग है, इसीलिए आप बोलते हैं एक नंबर टिप है साधन व्यापकत्व। मतलब क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे एक बने का साधन की अव्यापक होना चाहिए था परंतु साधन का व्यापक हो गया इसलिए उपाधि नहीं लगी आपकी। आप इसको पैसे न च उपाधि क्योंकि इसको आप उपाधि नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि तद इतर अदृश्यत्म उपाधि ये जो आप कहना चाहते हो ये आप नहीं कह सकते। क्यों? जागृत अभी तद इतर दृश्यत्व अनिश्चय न साधन व्यापकत्व उपाधि की परिभाषा साध्य व्यापकत्व से साधन अव्यापक साधन का व्यापक होना चाहिए परंतु यहाँ पे क्या हो गया साधन का व्यापक हो गया। इसलिए जो है मतलब जहाँ आपका जैसे देवदत्त के स्वप्न देवदत्त ही देखता है देवदत्त की जागृत भी देवदत्त ही देखता है दूसरा नहीं देखता है। न च संदिग्ध उपाधि अपि नहीं नहीं संदेह है इसीलिए उसको उपाधि मान लेंगे। नहीं नहीं संदिग्ध हेतु कोई साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता, संदिग्ध हेतु कोई साध्य को सिद्ध नहीं करता, निश्चय हेतु इस प्रकार मान लीजिए हमने ये देखा फॉग देखा फॉग और उसको देख कर धुआं भी हो सकता है ऐसा मन में वहाँ जाके हमें अग्नि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी कि संदिग्ध हेतु आपको साध्य को सिद्ध नहीं कर, निश्चित हेतु होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि न संदिग्ध उपाधि रखो तद जागरितम तन मात्र दृश्यम तद दृश्यत्वात् तद स्वप्नवत इति निश्चयात इति अवधियम। देखिए आप स्पष्ट करके बोल दिया तद जागृतम उस व्यक्ति की जागरण जिस जागृत मतलब जागृत विषय के प्रति उनका जो आसक्ति जो व्यवहार वो तन मात्र दृश्य हो वो उसी दृष्टि वही उस व्यक्ति के ही द्वारा ही देखा जाता है दूसरे के द्वारा नहीं देखा जाता है। उस एक छोटा बच्चा अपनी माँ को जिस दृष्टि उसी दृष्टि से वो देखेगा दूसरा बच्चा उसके नहीं देखेगा। प्रत्येक का जागरण अलग अलग एक एक चीज को लेकर के देख लो व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नहीं देखेगा। इसी पर बोलते हैं तद जागृतम तन मात्र दृश्यम
तदृश्यता, क्योंकि वही उस व्यक्ति के साथ उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तद स्वप्नवत, जिस प्रकार उस व्यक्ति का स्वप्न भी अपना अलग ही होता है। निश्चय, ऐसा निश्चय होने के कारण संदिग्ध जो है आपका संदिग्ध साध्य मान तो मतलब पक्ष हो जाएगा, वो संदिग्ध रहेगा तो पक्ष हो जाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। इति अवधेय, ऐसा यहाँ पे समझ लेना चाहिए। कहाँ देखो, एक नंबर टिप्पणी में ग्रहणात्, यहाँ ग्रहणात् जागरित पद, क्योंकि ये तो इस वर्ष इस विषय को लेकर के विवाद नहीं है। किस विषय को लेकर के? स्वप्न में हम उसी वस्तु को देखते हैं जागृत में जिसके प्रति हमारी अधिक आशंका, यदि मन जहाँ अधिक लग जाते हैं उसी को लेकर के। हमको एक व्यक्ति पूछा था, स्वामी जी पहले बोले हिरण्यगर्भ में स्वप्न देखता कि नहीं देखता, फिर बोलता है ज्ञानी पुरुष स्वप्न देखता कि नहीं देखता। मैं बोला हिरण्यगर्भ के लिए तो होना संभव है, क्योंकि बेचारे का इतना बड़ा मतलब जिम्मेदारी दिया हुआ है भगवान, तो उसको कैसे चलाना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको चिंता मन में होगा। जब तक ईश्वर सब व्यवस्था करके रखते हैं, उनके लिए भी ऐसा ही है। समष्टि मन है, सब समष्टि मन है, कोई मन स्वप्न देखता है, कोई मन नहीं देखता। और परंतु मन ज्ञानी के लिए मन तो अमन हो जाता है, संसार में कोई वस्तु के प्रति कोई उनका स्प्रिया है ही नहीं, स्वप्न किसका देखेगा। यदि आत्मा विषय रूप में कभी देख लिया होता तो उसको स्वप्न देखा। मैं अपने मन से नहीं बोलता, निश्चित वृदारण्यक में ऐसा कहा है, यदि वो कभी ऐसा स्वप्न देखता है कि मेरा पूरा सृष्टि का सम्राट हूँ मैं, पूर्ण व्यापक हूँ मैं, इंद्रता का भी मिथ्या हो जाएगा, पूर्ण व्यापक हूँ मैं, पूरा सृष्टि का सम्राट हूँ, मेरे ऊपर ही सारा चीज की प्रतीति हो, ऐसा कोई स्वप्न देखिए विचार करते हैं, वो उसका सही स्वप्न है, वो स्वप्न नहीं है, वो उसका सच ईश्वर परम लोक ईश्वर परमानंद ऐसा करके विचार नहीं चुकी होती है। यानी कि ज्ञानी पुरुष का वो तब स्वप्न नहीं होगा, वो सच्चा जो मनोवृत्ति निरंतर मन में घूम रहा है, जगते सोते वही चिंते मन में चलते, इसलिए तब उसको स्वप्न नहीं होगा। इस अभिप्राय से यहाँ पे तो ये जो देवदत्त के स्वप्न सबका अलग अलग होते हैं, क्यों? इसलिए सब, क्योंकि सबका जागृत भी अलग अलग होता है, सबका जागृत भी अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रहणा एक नंबर हो गया। आगे दो नंबर टिप्पणी, इष्यते मतलब स्वीक्रियते, स्वीकार किया जाता है। जागृत के समान ग्राह ग्रह भाव समान होने के कारण है ना, प्रमाता प्रमेय प्रमेय आदि व्यवहार समान होने के कारण जागृत को स्वप्नों के लिए हेतु माना जाता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है ना, इसलिए बोलते हैं ईश्वते मतलब स्वीक्रियते। देखिए दोनों जगह पे ईश्वते शब्द आया हुआ है, एक जगह पे ईश्वते शब्द का अर्थ कर दिया स्वीक्रियते, और उसी को देखो चार नंबर टिप्पण में देखो ईश्वते मतलब प्रतीयते, एक ही शब्द है परंतु स्थान विशेष में अर्थ भिन्नता कह सकते हैं, ये सभी वादी का मान्यता है। इसीलिए तद हेतुत्व तत्सैव, वो जो है जागृत हेतु वाला होने के कारण कौन स्वप्न हेतु तत्व निश्चित ही तस्व तस् तीन नंबर के मतलब वो स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृश्य एव, वो स्वप्न दृष्टा के लिए उतना ही मात्र जागरण है, और उतना ही मात्र जागृत होने के कारण वो भी उनके लिए जो एक जो इंडिविजुअल के द्वारा केवल देखा जाता है वो सत्य नहीं होता, स्वप्न से पता लगता है। आप स्वप्न मिथ्या क्यों बोलते हैं? क्यों कि हम किसी को बोले कल स्वप्न में आपको देखा था अग्रवाल जी, आप मेरे पास आए हुए थे, मतलब आप स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि आप ही देखा उसको। तो जो केवल एक इंडिविजुअल के लिए देखा जाता है तो वो जो है परमार्थिक सत्य वस्तु नहीं होता, तो हमारी मनोरंजन है, हमने अपने मन से बनाया, अपने अपने मन से बनाया, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि तस्व स्वप्न दृश्यव इष्यते मतलब प्रतीयते। ठीक है, ये हो गया हमारा तस्व प्रत्यु, मूल के ऊपर जो चार टिप्पणियाँ थी वो हो गया। अब आ जाइए इसमें टीका में, टीका का पहले श्लोक का अर्थ करते फिर भाष्य में आते। जथा जागरितम तथा स्वप्न गृह्यते, है ना, जैसा जागृत में है वैसे स्वप्न में भी ग्रहण होता है, मतलब जागृत में जैसा ग्राहक ग्रहण और ग्राह्य वस्तु इस प्रकार व्यवहार होते हैं, प्रमता प्रमाण प्रमेय से व्यवहार होता है, स्वप्न में भी ऐसे ही होता है, स्वप्न में भी ऐसे ही होता है। जब स्वप्न में भी ऐसे ही होता है और स्वप्नों को आप मिथ्या मानते हो तो उसी प्रकार व्यवहार इधर भी होना, इसको मिथ्या मानते। और कल एक रीजनिंग और दिया था हमने, वो क्या था कि हमें दिखाई पड़ता है कार्य में कारण का गुण आता है, कार्य में कारण का गुण आता है, तो कार्य आपका कारण नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कार्य दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे एक पट हमको दिखाई दे रहा है और भगवा रंग का दिखाई दे रहा है, तो हम निश्चय कर सकते हैं इसकी तंतु इसकी धागा ये पट तो वो सब भगवा कलर का, क्योंकि पट हमको दिखाई दे रहा है, तो पट के पीछे हेतु है तंतु,
धागा, धागा के पीछे पे थोड़ा सा रूई जैसा रूइन होता है ना, वो इसी रंग का ही रहा है। ठीक इसी प्रकार से मतलब कारण जो है, कार्य में जो गुण दिखाई पड़ता है वो कारण में भी रहता है। पर अब जो है आपने क्या बोला कि स्वप्न जो है जागृत का कार्य है, स्वप्न जागृत का कार्य है। तो स्वप्न को जब मिथ्या माना, मतलब उसको भी सजातीय है, मतलब जो धर्म स्वप्न में बैठा हुआ है सच उसी जातीय धर्म जागृत नहीं बैठा हुआ है, यानी कि मिथ्या रूपी धर्म जागृत नहीं बैठा हुआ। आप बोलेंगे कि महाराज मिथ्या मिथ्या बार बार बोलते रहते तो हमें तो सामने दिखाई पड़ते हो, कौन वस्तु के अंदर क्या गुण है उसको परखने के लिए वो वस्तु आपके सामने चाहिए कि नहीं चाहिए, किस वस्तु के अंदर क्या गुण है अथवा दोष है तो उसको देखने के लिए परखने के लिए वो वस्तु आपके सामने चाहिए कि नहीं चाहिए। किसने कह दिया हमने मान लिया, ये नहीं, वेदांत कभी नहीं बोलता। इसीलिए जगत सामने है ये बहुत बड़ी सुविधा है। क्या सुविधा? शास्त्र सिद्धांत तो सही है कि नहीं है उसको परखने के लिए आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। इसलिए जागृत है ये बिल्कुल सही है, अरे चाहिए बने, इसके बिना होना भी संभव नहीं है। मिथ्यात्व तो कैसे निश्चय करेंगे? यद रूपे न यद निश्चयते तद रूपम न व्यभिचरति तद असत्यम, तद रूपम चेत व्यभिचरति तद असत्यम तद अन्यतम। तो वो व्यभिचर कर रहे हैं, लोक व्यवहार में, वस्तु व्यवहार में, हर चीज में परिवर्तन होता ही जाता है, इसलिए ये मिथ्यात्व भी ये परिभाषा है। तो तथा जागृतम जागृतम तथा स्वप्न गृहते, जैसे जागरण में व्यवहार होता है वैसे स्वप्न में व्यवहार होते हैं। तथा च स्वप्नस्य जागृत कार्यत्वात्, इसके फल स्वरूप स्वप्न जागृत का कार्य होने के कारण जो स्वप्न दृष्टा, जो स्वप्न देखने वाला है, तस्य एव जागृतम स, उसी के लिए ही जागृत विद्यमान है जैसा लगेगा। इति स्वप्नवत्, क्योंकि जब तक वो भी एक स्वप्न है, मैं निद्रा में देखकर स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्नवत मिथ्यात्वम, इसलिए वो भी स्वप्न के दर्के वो उस अकेले ही व्यक्ति देख रहा है, उस अकेला व्यक्ति ही देख रहा है उसको, वो व्यक्ति को देखना, व्यक्ति के शरीर को देखना और व्यक्ति के साथ अंदर से जो व्यवहार हो रहा है वो दोनों भिन्नता है। बंधन का हेतु क्या है? वो अंदर आपका क्या भाव है वो बंधन का हेतु होता है। तो इसीलिए वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, इसीलिए जगत विषत्व आप नहीं कह सकते। इसलिए बोलते हैं तथा च स्वप्नस्य जागृत कार्यत्व, स्वप्न भी जागृत का कार्य होने के कारण जो स्वप्नदृष्टा, स्वप्नदृष्टा पुरुष है, तस्य एव जागृतम स, उसी के लिए जागृत विद्यमान है जैसा लगेगा। इति स्वप्न के समान स्वप्नवत, इसीलिए क्योंकि केवल उसके लिए है, जो वस्तु केवल एक व्यक्ति की तरह देखा जाता है, अब मुश्किल हो जाएगा ज्ञानी कितना हो। मनुष्यानम सहस्रेशु कश्चित जतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चित माम व्यक्ति तरह, परंतु इनका एक परंपरा है, ऋषियों की परंपरा से जो विद्या प्राप्त है सभी की एक ही कथन है। जो ज्ञानी महापुरुषों की जो कथन है वो एक ही प्रकार से जगत को देखा। कैसे देखा? जगत में आज तक बताओ, चाहे द्वैतवादी हो, चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग, किसी भी हो, आज तक किसी महापुरुष ने बताया कि संसार में सत्यत्व बुद्धि करो, संसार में प्रीति रखो और भगवत प्राप्त हो जाएगा? किसी महापुरुष ने बताया? किसी ने नहीं बताया। जो द्वैत जगत का सत्य मानने वाले हैं वो लोग भी नहीं बताए। उन वेदांती सीधा रास्ता दिखा दे, इसलिए इसको मिथ्यात्व ही निश्चय करो, तब क्या हो जाएगा, वस्तु मन में ही नहीं आएगा। जिस वस्तु सापनिक वस्तु में इतना निश्चय होने के फलस्वरूप आपको बार बार विचार मन में नहीं उठते, इसी प्रकार जागतिक वस्तु में मिथ्यात्व तो निश्चय करने के फलस्वरूप उसके विचार मन में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं देखो कि सब इति स्वप्नवत तर मिथ्यात्व इति आह, इसीलिए स्वप्न के समान वो भी मिथ्या ही है, क्योंकि वो भी एक ही व्यक्ति के द्वारा, उनकी जगत इस व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की जगत अपने अपने अलग होते हैं, अपने मनोराज्य से ही वो संसार को बना लेते हैं, वही बंधन के हेतु होते हैं। ये हमारा पंचदश में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझे, ईश्वर सृष्टि जगत और मनोसृष्टि जगत, मनोसृष्टि जगत जो है बंधन में हेतु होता है। यहाँ भी देखिए 8, 9, 10, 11 चार टिप्पणियाँ हैं इसमें, है ना। 8 नंबर बोलते हैं तथा च स्वप्न जागरोह अनेको प्रमात्र प्रमाण प्रमेय घटितस्त साम्य च, ठीक है ना। तथा च जिस प्रकार स्वप्न काल में भी हमने क्या देखना है, प्रमाता प्रमेय प्रमाण अनेक है, अनेक व्यक्ति मिलकर के एक ही जगह पे गए थे, एक ही वस्तु को देख रहे हैं अथवा अलग अलग वस्तु को देख रहे हैं। जिस प्रकार कोई आया यहाँ पे, गंगा जी भी देख रहा है, कोई हिमालय भी देख रहा है, किसी को गंगा जी अच्छा लग रहा है, किसी को हिमालय देख रहा है, किसी को पेड़ पौधा अच्छा लग रहा है, किसी को जंगल अच्छा लग रहा है तो सब एक ही प्रकार देख रहे हैं। मतलब प्रमाण प्रमाता प्रमेय व्यवहार जो है एक ही प्रकार के है ना। तो इसलिए आप ये बोलते हैं कि स्वप्न जागरो
अनेक प्रमात्र प्रमाण प्रमेय घटितत्व साम्य, मतलब ये क्या स्वप्न और जागरण दोनों ही अनेक प्रमात्र मतलब प्रमाता उसको प्रातिपदिक समास में प्रातिपदिक रहता है, प्रमात्र प्रमाण प्रमेय घटित प्रमाता प्रमाण और प्रमेय से द्वारा घटित होकर की व्यवहार समान होता है, स्वप्न में भी वही व्यवहार होता है जैसे जागृत में होता है। इति अर्थ इसका अभिप्रेत है। तथा च स्वप्न से जागृत कार्यत्वा, जागृत कार्य मतलब नौ नंबर में जागृत का स्वप्न से प्रायश जागृत वासनाधीनत्वात् वासनाधीनत्वात् तत्कार्यत्वम् इव, ठीक है ना। हमको कभी कभी ऐसा लगेगा ऐसा स्वप्न देखा कि हमने इस जन्म में देखा कि नहीं देखा, परंतु चित्र एक ऐसी जगह है ना। आप मान लीजिए जो भगवान ने हमारे लिए स्वाप्निक सुख अथवा दुख वहाँ पे स्वाप्निक सुख दुख भोगते भोग करते हुए नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं होता, मतलब भोग तो है सुख दुख का भोग वहाँ भी है, वो जो लिख रखा उसके लिए जन्मांतर में भी यदि उस प्रकार की कोई कर्म से यहाँ पे सुख मिलना था वो चित्त भी उसका संस्कार रहता है, किसी एक समय आकर के वो संस्कार जागृत होकर के जो आपको स्वाभाविक रूप से देखिए चित्त में कोई व्यक्ति जो है बचपन से साधु होता है, कोई व्यक्ति बुढ़ापा में, कोई व्यक्ति क्यों वो संस्कार उसका अंदर है। जितना जगत संबंधित भोगता जैसे समाप्त होता है ना वो वृत्ति मन में जागृत हो जाती है, अरे वो अच्छा वो स्थिति ने उधर जाना चाहिए, कैसे होता है ये, यानी कुछ संस्कार अंदर था वो जागृत हुआ पिता द्वारा पुरुष की इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कि जागृत कार्यत्वा स्वप्न जो है जागृत कार्यत्व स्वप्न से एक शब्द किया प्रायश मोस्टली प्रायश जागृत वासनाधीनत्वा जागृतकालीन वासना के अधीन होकर के हम स्वप्न देखते हैं, इसलिए तत्कार्य इसलिए स्वप्न जो है जागृत के कार्य है जैसा जागृत कार्य जैसा ऐसा सभी वादी ने माना। फिर आया आपका तस्यैव, तस्यैव मतलब जागरितस्य इतर साधारण तेतु स्वप्न से भी तथत्तम से अधिक भाव, मतलब देखो यदि जागृत यदि सभी के लिए एक ही प्रकार होता ना तब स्वप्न भी सभी के लिए एक ही प्रकार। देखो जहाँ पे जागृत और स्वप्न मतलब जिस समय आपका बॉडी और माइंड से आपका आइडेंटिफिकेशन छूट जाता है उस समय सभी का अनुभव एक ही है, कहाँ सुषुप्ति गंभीर निद्रा में, गंभीर निद्रा में पशुतः वैक्सिंग होगा बिकोबा बरा होगा मशुक होगा दंश होगा सभी का एक ही अनुभव होता है, क्या कितना आनंद से स्वयं कुछ भी नहीं है, क्यों उस समय उपाधि के साथ इससे इससे सिद्ध होता है कि आत्मा एक ही है, एक 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 कब भिन्न हो गया जैसे उपाधि के साथ तादात्म्य किया तब भिन्न हो गया, जैसे उपाधि के साथ तादात्म्य किया भिन्न हो गया। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जागरितस्य इतर साधारणत्वेतु जागरित यदि इतर का साधारण स्वप्न सब तथा स्वप्न भी सबके लिए साधारण होता है एक ही प्रकार होता है, तो ऐसा नहीं है तस्य जिस व्यक्ति ने जो स्वप्न देखा उतना ही मात्र जागृत उसके लिए सत्य है, उतने लिए उसका आसक्ति उसके लिए उसका अटैचमेंट उसके लिए एंग्जाइटी उतना मात्र जगत के लिए है बाकी के लिए उतना नहीं है। इसलिए प्रायश शब्द प्रयोग के वहाँ पे जागृत से इतर साधारण तेतु स्वप्न से भी तथा तम से यदि जागृत यदि सबके लिए साधारण होता तो स्वप्न भी सबके लिए एक ही प्रकार होता, बंद ऐसे नहीं होता यदि भविष्य के अंदर भाग मतलब तत्व जागृतम सत्य के साथ मतलब विद्यमान जागृत उसका विद्यमान है जो कहते हैं ना ठीक है, परंतु उतने हिस्से सत्य है जितना हिस्सा को अपने मन से मनोरंजन में बना लिया उतना हिस्सा को लेकर के आप चिंता। अब इसको ये जो गृहनाथ है ना ये गृहनाथ मतलब प्रतीक जो है श्लोक की है गृहनाथ जागृत वत तद हेतु स्वप्न इष्यते। फिर टीका में आ जाए किंच जागृत विद्यमानत्वम अनेक साधारणत्वम च वस्तुतः नास्ति, ये जो जागृत जो आप बोल रहे हैं ना और भी देखो किंच मतलब एडिशनल रीजनिंग वन मोर जागृत जो जागृत अवस्था में वस्तु दिखाया जाए विद्यमान तमो हमेशा विद्यमान रहते हैं और अनेक साधन अनेक व्यक्ति के लिए जो एक ही प्रकार देखता है ये भी न वस्तु तो नास्ती ये भी पारमार्थिक नहीं, क्या जागृत वस्तु हमेशा विद्यमान रहता है। अब जिसको हमको लग रहा है कि ये तो हम लंबा समय से देख रहे हैं जिस प्रकार हमारी जीवन मान ली 50-60-70 कोई भी देखते हैं परंतु ब्रह्मा जी के काल की तुलना में ये कितना होगा एक क्षण क्षण मात्र भी नहीं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि किंच जागरितस्य विद्यमान अर्थ यहाँ पे जो काल के परे पहुँच गए उनके लिए तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं,
इसलिए किंच जागरितस्य विद्यमानत्वम् अनेक साधारणत्वम् च, दो हेतु बोल रहे हैं जागृत में कि हमेशा रहता है और सभी व्यक्ति के लिए साधारण है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमेशा एक रूप में विद्यमान नहीं रहता और सभी के लिए एक रूप नहीं होता। एक ही वस्तु को देख करके पांच व्यक्ति को आप कभी परीक्षा करके देख लेना, एक कमरे में आप आधा एक टेबल के ऊपर आधा ग्लास पानी और आधा ग्लास जल रख करके उसको ढक्कन पे रख करके आप तीन अलग अलग व्यक्ति को भेज करके देखो और तीन व्यक्ति क्या बोलते हैं वहाँ पे, क्या देख करके आए, देखो क्या बोलते हैं, तो आपको पता लग गया तीनों का जो है एक्सप्रेशन तो एक जो उनका जो अभिव्यक्ति अलग अलग। कोई कहता है कि मैंने देखा टेबल के ऊपर ग्लास है, वो ग्लास आधा खाली है। कोई कहता है मैंने गया अंदर देखा वो एक ग्लास आधा भरा है और वो ठका हुआ था। अब कोई कहेगा टेबल है, टेबल के ऊपर पानी है, ऊपर आधा था आधा खाली है, वो ठका हुआ है। अब इससे आपको पता लग जाएगा उस व्यक्ति की मानसिकता भी पता लगते हैं देखने की क्या है, परंतु एक ही वस्तु को देखा तीनों व्यक्ति ने अलग अलग कैसे अभिव्यक्ति होती है, यही हमारी दृष्टिकोण है, हमारे संस्कार से ऐसा हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं किंच जागरितस्य विद्यमानत्वम् अनेक साधारणत्वम् च, वस्तु तो नास्ति सबके लिए साधारण है कि नहीं है। ये शेत केतु को लेना, ये मैं आपको कहाँ से सीखा, शेत केतु को पिताजी ने बोला ना, यदि परीक्षा करना चाहते हो कि मन आत्मा नहीं है, मन भी एक भौतिक वस्तु है, अन्न से वो पुष्ट होता है, परीक्षा करना चाहते हो तब क्या करना पड़ेगा, हाँ फास्टिंग करो, तो फास्टिंग करो 15 दिन तक कुछ मत खाओ, पानी पियो, खूब पानी पियो, तब उसके बाद देखो माइंड कैसे फंक्शन करता है, फिर उसके बाद जो है आप धीरे 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 खाना बनाओ, फिर माइंड की फंक्शन करो, तब आपको पता लग जाएगा कि अन्नमय हिस्सों में मन कैसे होता है। और केवल इतना ही नहीं, वो आहार से अंतकरण की शुद्धता कैसे होता है वो भी निश्चय हो जाएगा। यदि आहार शुद्ध नहीं होगा तो मन की शुद्ध मतलब पवित्र मतलब क्या होगा, शुद्धि मंत्र शुद्धि मतलब जो तत्व निष्ठा नहीं आएगी, जो आहार करेंगे उधर ही निष्ठा होगा, जैसा आहार करेंगे उधर निष्ठा होगा। यदि आहार करते समय भगवत प्रसाद को भक्षण करता हूँ, भगवत रूप को ही देखता हूँ, भगवान का ही सुनता हूँ, इस प्रकार यदि आहरण होगा तब कहोगे तो भगवत निष्ठा है, तो भगवत निष्ठा है नास्ति स्वप्न कारणत्वात् किंतु यथा भाषमानत्वम् इति, इसलिए किंच जागरितस्य विद्यमानत्वम् अनेक साधारणत्वम् च वस्तु तो नास्ति, क्यों स्वप्न कारण को स्वप्नों का कारण है और सब वस्तु व्यक्ति का स्वप्न अलग अलग होता है, इसलिए हमेशा सबके लिए वो एक नहीं है, किंतु तथा भाष्य मानता परंतु प्रतीति ऐसा होती है। यदि अहोसी को मन में रखते तद हेतु तस्व सद जागृत ईश्वर से हम ईश्वर शब्द का अर्थ क्या कर दिया था, प्रतीयते, पहले ईश्वर का शब्द का अर्थ क्या करते हैं, स्वीकृत बाद में क्या प्रतीयते, लगता है ऐसा होता है परंतु पारमार्थिक ऐसा नहीं है। फिर आगे तद हेतुत्व आती प्रति कहाँ का होगा, श्लोक का तदेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते, उस व्यक्ति के लिए ही जागृत सज्जा से प्रतीति होता है, प्रत्येक का जागरण भी अलग अलग है। अब हर जगह पे वेदांत ने जो कहा जीवन के हर क्षेत्र में आप इसको घटा करके देख सकते हैं, हर जगह पे देख सकते हैं, हर जगह पे आप थोड़ा सा आपका दृष्टि खुला होना चाहिए, बोलना नहीं है किसी को कुछ, बस आप यदि ऑब्जर्वेशन आपका सही रहेगा आपको पता लग जाएगा कैसा जागृत सब प्रतिमा। जागरितस्य वस्तु तो असत्य हेत्वांतर परत्तम श्लोक संदर्शयति, मतलब पर प्रसंग क्या चल रहा था, जागृत सत्य नहीं है, इसे बताया जागरितस्य वस्तु तो असत्य, पारमार्थिक असत्य है, वस्तु तो शब्द प्रयोग की असत्य नहीं बोला, वस्तु तो असत्य मतलब पारमार्थिक व्यवहारिक प्रतिभाषिक सत्य तो मानते हैं, जागरितस्य वस्तु तो असत्य हेत्वांतर परत्तम मतलब एक अलग हेतु, क्या हेतु है यहाँ पे, हेत्वांतर मतलब स्वप्न कारणत्व रूप हेतु, एक एक करके जागृत में इतना क्यों है, जैसे स्वप्न में जो वस्तु हमको मिला था जागृत में उठकर काम को नहीं दिखाई पड़ते स्वप्न मित्र है, इसी प्रकार जो माया नित्र में सोया हुआ व्यक्ति जब जग जाता है तो वो वस्तु उस प्रकार नहीं दिखाई पड़ता है, देश काल वस्तु की अनियमता के कारण स्वप्न को मिथ्या माना, अब जागृत को स्वप्न का हेतु के कारण से भी जागृत मिथ्या है, स्वप्न के लिए हेतु होने के कारण के लिए भी जागृत मिथ्या है, ये भी अब यहाँ पे ये नियम नहीं है, ये प्रश्न उठाएगा अभी आगे। अच्छा स्वप्न सर्प मिथ्या है क्या, रज्जु भी मिथ्या होगा क्या, ये कैसे बोल रहे हो कि कार्य के कारण जिसके ऊपर कार्य दिखाई कारण में मिथ्या होगा उसका उत्तर देंगे, उसका उत्तर नहीं देंगे, जितने शंका हमारे मन में अंतिम सब उठा के नहीं पढ़ देंगे। हाँ यहाँ पे बोलते हैं कि हेत्वांतर इति मतलब स्वप्न कारणत्व रूप हेतु है ना, जागृत मिथ्या है क्यों, जागृत मिथ्या विमत मिथ्या स्वप्न कारणत्व
और स्वप्न मिथ्या है, इसलिए मिथ्या। अब इसका भी निराकरण करेंगे, कैसे हो सकता है, बोले दिया कार्य जो मिथ्या होने पर कारण भी मिथ्या होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, जगत के मूल कारण आपके ब्रह्म को मानते, ब्रह्म मिथ्या हुआ, फंसा वेदांति तुम्हारे जुक्ति को कोई लट्टी मारेगा, परंतु उसको उत्तर देंगे परिणाम बात को लेकर। अंतर परतम श्लोकत्म दर्शयति इतश्च, अब भाष्य में आए इतश्च असत्यम जागृत वस्तु, इस कारण वन मोर रीजनिंग, इतश्च वन मोर रीजनिंग, दूसरा कारण क्या है, असत्यम जागृत वस्तु न, जागृत वस्तु में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, इस कारण से भी जागृत वस्तु में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। क्या कारण है वो, जागृत वत् मतलब जागृत से इव, है ना, जैसा जागृत में व्यवहार करता है ग्रहणात ग्राह्य ग्रह का रूप है ना, स्वप्न में भी हम जैसा जागृत में हम ग्राह्य ग्रह रूप में व्यवहार करते हैं, स्वप्न में भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो ग्राह्य ग्रह रूप में जहाँ व्यवहार होगा वो पारमार्थिक नहीं हो सकता। ये इसलिए देखो जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में नहीं आते, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधत शिष्याचार्यतया तथैव च पितृपुत्रद्यात्मन वेदत स्वप्ने जाग्रति येष पुरुष माया परिभ्रामित तस्मै श्री गुरुमुखे मूर्तये नमैदं श्री दक्षिणामूर्ते। यही दक्षिणामूर्ति है, यही जीव जो ऐसा सोचते हैं जागृत स्वप्न में जो मैं पिता हूँ, पुत्र है, गुरु है, शिष्य है, ये मेरा है, वो उसका है, इस प्रकार भेद करके जो व्यवहार कर रहे हैं, पहला लाइन क्या बोला, विश्वम पश्यति कार्य, विश्व में कार्यकरण भाव देखता है ना, कब देखता है, माया परिभ्रमित सची, जागृत और स्वप्न में माया के द्वारा परिभ्रमित होकर के जो जीव देखते हैं ना, वो कोई पारमार्थिक सत्य, यही जीव दक्षिणामूर्ति है, यही जीव दक्षिणामूर्ति। यहाँ पे बोले इस कारण से भी यदि ग्राहक ये ग्राह्य ग्राहक रूपेण ये कार्यकरण भाव रूपेण ग्राह्य ग्राहक रूपेण गुरु शिष्य रूपेण उपदेश उपदेश रूपेण, इसी तरह ये भेद बुद्धि में जो व्यवहार होता है, जो भेद बुद्धि मान्यता देकर के व्यवहार होता है वो कोई पारमार्थिक वस्तु, इसको बोलते हैं स्वप्न में भी ऐसा होता है, जागृत में भी ऐसा होता है। और क्या है स्वप्न, आप बोलते हैं सभी व्यक्ति एक ही वस्तु को देख रहे हैं, स्वप्न तो मैं देख रहा हूँ, नहीं स्वप्न में भी कभी ऐसा होगा आप हम लोग कई मिल करके एक वस्तु को देखते हैं, मतलब आप उठने के बाद वो व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, मैं मतलब देखते तो सभी व्यक्ति नहीं, यदि आप बोलते हो सभी मिलकर के एक ही वस्तु दिखाई दे रही इसलिए सत्य है, स्वप्न में भी ऐसा होता है, उसको तो हम सत्य नहीं मानते, यहाँ भी ऐसा ही मानते हैं। इसलिए बोलते हैं ग्रहणा ग्राह्य ग्राहक रूपेण, ग्रहणा के 6 नंबर टिप्पणी देखा, मतलब अनुभूयमानत्वात्, मतलब ये दृश्य तो अनुभूयमानत्वात् विमतम मिथ्या अनुभूयमानत्वात्, इस अभिप्राय से जागृत इस इव ग्रहणा ग्राह्य ग्राहक रूपेण स्वप्नस्य, स्वप्न ग्राह्य ग्राह जैसा ग्राह्य ग्राह पुष्प का जागृत भी होता है, तद जागृतम हेतु अस्य, वो जागृत हेतु है इस स्वप्नस्य, देखिए तद हेतु तद उसका अर्थ कर दिया, तद हेतु तद हेतु क्या हो गया, जागृतम हेतु अस्य तत् का अर्थ कर दिया जागृतम, और हेतु अस्य ये भोगृह है, तद हेतु अस्य तद हेतु हेतु मतलब स्वप्न अस्य मतलब स्वप्नस्य, स्वप्न सचे स्वप्न तद हेतु, स्वप्न क्या हो गया जागृत हेतु वाला, तद मतलब जागृत कार्य निश्चते स्वप्न जागृत, यह अभिप्राय है तद हेतुत्वात् जागृत मतलब क्या हो जाएगा जागृत कार्यत्वात्, मिलाकर का अर्थ क्या होगा तद हेतु तद जागृत कार्य, भाष्य में तस्व स्वप्न दृश्य एवं तस्व मतलब ओ स्वप्न दृष्टा का ही एवं सत जागृत न तो अन्य सम, उसका भी जागरण है वो केवल उसी का ही है, वो दूसरे का नहीं है। एक मजे के बाद बताऊ एक जगह पे ऐसा बातचीत चल रहा था कि बुद्धिमान कौन होते हैं, तो बोलते केरल के और बंगाल के लोग बुद्धिमान होते हैं, मछली खाते हैं, तो बुद्धि क्या वस्तु होती है, बुद्धि क्या वस्तु होती है, ये बात कहाँ पे चल रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, गाँव को समझ लेना, तो बुद्धि क्या वस्तु होती है तो समझ में नहीं आया। चलो एक दो उस गांव से दो व्यक्ति दोनों जगह पे गया, एक व्यक्ति जो है कहीं पर पहुंचा तो वो एक टैक्सी कर लिया, टैक्सी करके कहाँ जाना है पूछा, तो मेरे को कहीं जाना नहीं है, तो बुद्धि क्या वस्तु होता है, बुद्धि कहाँ मिलती है ये मुझे बोलते हैं, अरे तुमको ये भी पता नहीं है, तो टैक्सी वाला उनको समझा रहा है कि मान लो मेरे घर में चार व्यक्ति है, मेरी पत्नी, मेरा एक बेटा एक बेटी, तो चौथा कौन होगा,
वो भी चुप सब कुछ लड़ा है। तब तो ऐसे लग रहा है भाई चौथा मैं हूँ, मेरे घर में चार व्यक्ति हैं, तीन एक मेरी पत्नी, एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी, चौथा मैं हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है। वो अपने गांव में वापस आ गया। मेरे को समझ में आ गया बुद्धि क्या बात है। गाँव में तो सबके सामने गया बैठ करके, फिर बोल देखो मैं बुद्धि क्या है समझ में आ गया, क्या समझ में बताओ। बोलते हैं कि जय तुम्हारे घर में चार व्यक्ति हैं, एक तुम्हारी पत्नी, एक तुम्हारे बेटा, एक तुम्हारी बेटी, चौथा व्यक्ति कौन होगा? तो मेरे घर में ऐसा बोलते मेरे घर में चार व्यक्ति हैं, तो एक मेरी पत्नी, एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी, तो चौथा व्यक्ति कौन होगा? छड़ी तो व्यक्ति उनकी उनकी वो बुद्धि। अरे भाई वो टैक्सी वाला होगा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसका जिसका वो नहीं समझने वाले को तो ये लगता है कि सभी व्यक्ति भी एक देखते हैं, समझने वाला व्यक्ति जानते हैं कि वो उसी का ही है, अलग नहीं है। सभी व्यक्ति यहाँ भी ऐसे ही है कि जथा स्वप्न तब हेतु जागृत कार्य कार्यता तत्व स्वप्न दिशा वो सब जागृत न तो अन्य शाम है ना, वो दूसरे का नहीं होता, वो अपने परिवार का है तो ही होगा, दूसरे नहीं, दूसरे को नहीं देखता हूँ। यथा स्वप्न इति अभिप्राय, जैसे स्वप्न में देखते हैं अपना, उसी प्रकार जागृत भी अपना ही है, वो अनेक अनेक का नहीं होता। तब तो ऐसा दशा होगा लोग हंसने लग जाएगा, चौथा टैक्सी वाला होगा विचक्षण बुद्धि तो आपके हिसाब सिखाएगा स्थिति अभिप्राय। अच्छा आगे भाष्य पढ़ लेते हैं इसका। यथा स्वप्न स्वप्न दृश्य एवं जैस प्रकर्षण, जिस प्रकार स्वप्न स्वप्न दृष्टा का ही केवल अकेला होते हैं, साधारण विद्यमान वस्तु वो सभी के लिए साधारण और विद्यमान है जैसा लगता है। जिस समय मैं स्वप्न में हिमालय को देखता हूँ केवल ये मैं अकेला देखता हूँ तो मेरे अकेला ऐसा लगता है क्या? सबके लिए है और विद्यमान ऐसा भी लगता है। इसीलिए बोलते हैं जथा जैसे स्वप्न स्वप्न दृश्य एवं सृष्टि है, वो स्वप्न दृष्टा का ही सन होते हुए स्वप्न सन उसका अन्य स्वप्न के सन होगा मेरे पिता मिल रहे साधारण विद्यमान वस्तुवत सभी के लिए साधारण और विद्यमान है इस प्रकार वस्तु जैसे प्रतीति होता वो भाषते तथा ठीक उसी प्रकार से तत्कारणत्वा जैसा स्वप्न में है उस स्वप्न का भी कारण जो जागृत है साधारण विद्यमान वस्तुवत वो सभी के लिए साधारण और विद्यमान है जैसा प्रतीति होती है मात्र। स्वप्न में भी तो ऐसा होता है, स्वप्न काल में जब आपको स्वप्न में मान लीजिए हिमालय देखा, उत्तरकाशी देखा, विश्वनाथ देखा, कुछ भी देखा, क्या आपको लगता है कि मेरा ही है? उस समय लगता है कि सबके लिए है, वो सबके लिए है और वो विद्यमान है वहाँ पे, वो जिस समय वो विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार माया नेत्र में शो करके ये सबके लिए है, ये विद्यमान ही दिखाई देगा, परंतु पारमार्थी के नहीं है। जिस बिल्कुल जिसने स्वप्न धर्म है ऐसा यहाँ भी बैठा हुआ है। यत तत्कारणत्व साधारण विद्यमान वस्तुवत अवभाषणम उसका प्रतीति होती है, न तो साधारण विद्यमान वस्तु, परंतु साधारण विद्यमान वस्तु नहीं है। आगे क्या लिखा है साधारण विद्यमान वस्तु के आगे क्या लिखा है? जिस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ भाष्य में लास्ट लाइन, हाँ क्या लिखा है? विद्यमान वस्तु उसके बाद स्वप्न, हाँ साधारण विद्यमान वस्तु वद अवभासते हमारे पुस्तक में अवभाष नहीं, वहाँ पे नहीं है, लास्ट में आ जाए, राइट हैंड कॉर्नर पे आ जाए। हाँ न तो साधारण विद्यमान वस्तु आगे क्या लिखा है? स्वप्न देवे एक ही गड़बड़ है यहाँ, स्वप्न देवे न कौन है स्वप्नवत, वहाँ पे एक वकार जोड़िए स्वप्नवत एव इति अभिप्राय, न तो साधारण विद्यमान वस्तु परंतु क्या है स्वप्नवत एव इति अभिप्राय, वहाँ पे एक वकार लगाना पड़ेगा आपको स्वप्नवत, प्रत्येक को अपने पुस्तक में संशोधन कर दीजिए। समझ में आया कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं? हाँ कर दिया किसी ने? नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस पंक्ति को लास्ट लाइन को देखिए, साधारण विद्यमान वस्तुवत अवभाषणम ये तत्कारण स्वप्नों का कारण होने के कारण साधारण वस्तु की तरह विद्यमान ऐसा प्रतीत होते हैं, न तो साधारण विद्यमान वस्तु, तो साधारण विद्यमान वस्तु नहीं है, वो कैसे है तब? स्वप्नवत एव, स्वप्नवत एव है ना, स्वप्नवत एव इति अभिप्राय, वो भी स्वप्न के समान यदि वकार लगाना पड़ेगा, स्वप्नवत एवं तब जा करके लग जाएगा। ठीक है आज यहीं तक रखते हैं, समय हो गया। आज कौन सा करना पड़ेगा? तीसरा वर्ष, तीसरा वर्ष ओके, भाष्य हो गया, टिकट कर लेंगे।
यज्ञालोकाभाषा प्रतिहत्यागमत्स्वान्तमोहान्धकारोर्मज्जोन्मज्जचघोरे यशक्वे उपजनुदन्वतीत्राशनेमि यत्पादास्तिष्ठितानां श्रुतिशमविनया प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनदौ सर्वभावै नमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो दुरात्मने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा